चेकअप कैंप मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी 9 साल से रन कर रही है पटना में। आज इसका बहुत मेगा हेल्थ कैंप हम लोगों ने निःशुल्क रखा है। इतने भी समाज के निर्धन लोग हैं या जो इनकम इनकी कम है, वो इलाज महंगा इलाज कराने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग आँख का ऑपरेशन फ्री, डेंटल फ्री, फिजियोथेरेपी, फिजिशियन डॉक्टर और आपके पेट के डॉक्टर डॉक्टर अमित बंका, इसके अलावा हम लोग डॉक्टर दिनेश चंद्र हार्ट स्पेशलिस्ट हैं दिल्ली से बुलाया गया है, डॉक्टर रजत कालरा है, डॉक्टर सुभाष है जो डायबिटिक को चेक करते हैं, ये सारे डॉक्टरों की व्यवस्था करके एक हमने हम लोगों ने कैंप लगाया है। इस कैंप में करीब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 500 पेशेंट रहेंगे और सबको दवाई भी फ्री दी जा रही है, खाना भी हम लोग फ्री दे रहे हैं पेशेंट को, दूर दूर से पेशेंट आए हैं। हमारी एक ही उद्देश्य है समाज की किसी तरह छोटे तबके के लोगों की सेवा। कितने दिन तक ये कैंप चलेगी, एक ही दिन के लिए कि और भी आगे चले? कैंप हम लोग एक बजे तक चल रहे हैं, सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और 1 बजे तक चलेगा। 1 बजे के बाद फिर हम लोग डॉक्टर लोग मेंबर्स लोग सब लोग लंच करके यहाँ से हम लोग फिर परिचय दे दीजिए। रमेश क्या देखें, क्या देखें, देखिए क्या है कि बच्चों में है ना अभी सर्दी खांसी बुखार, और जो पहले कोविड था ना कोविड की तरह का ही सिम्टम्स आ रहा है, इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन यह है ना अभी बहुत दुखदायी है, पहले क्या था सर्दी खांसी 2-3 दिन में ठीक हो जाती थी, लेकिन अब है कि आप दवा कराने के बाद भी वो 10-15 दिन तक परेशान करता है। उसका कारण है ये नया वायरस जो है H3N2 है ना, ये वैक्सीन वायरस है ना डेवलप किया है जिससे जिसका कोई एंटीबायोटिक नहीं है। यह जब तक बच्चों में इम्यूनिटी नहीं डेवलप करता है तब तक यह परेशान करता है, और इम्यूनिटी डेवलप करने में अभी कम से कम 10 दिन लग जाते हैं। और एक मैं सजेस्ट करूंगा, अभी जो फ्लू वैक्सीन है जो टेट्रा वैलेंट है उसको हर बच्चे को साल में एक बार जरूर दिलाना चाहिए, जिससे कि उसमें इम्यूनिटी डेवलप रहेगी तो यह वायरस नहीं परेशान करेगा, और करेगा तो सिम्टम्स का। मेरा नाम डॉक्टर गौतम मोदी है, मैं एलर्जी रोग विशेषज्ञ हूँ। मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी द्वारा संचालित इस अस्पताल प्रांगण में आज एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चिकित्सक अलग अलग स्पेशलिटी से अपनी सलाह दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है जिससे जनमानस में रियायती दर पर बिल्कुल ही उचित परामर्श उपलब्ध की जा रही है और साथ ही दवाइयाँ भी दी जा रही सैंपल के रूप में। इस समय मेरे विभाग में तो खांसी के मरीज बहुत ज़्यादा है जो बदलते मौसम के चलते प्रभावित हो रहे हैं, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम सब समय समय अंतराल पर इस तरह का कैंप आयोजित करते रहेंगे जिससे जनमानस को। अभी ऑलमोस्ट हो गए 20 से ऊपर पेशेंट, एंड अभी मेन प्रॉब्लम जो है कैविटी की है, जो छोटे बच्चे हैं बड़े हैं सभी में ये पाई जा रही है। स्पेशली डेंटल अवेयरनेस की कमी है, कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है परेशानी, और जब वो अब डॉक्टर को विजिट करते हैं तो सिर्फ छोटी परेशानी नहीं, 1-2 दांत से ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए रेगुलर विजिट मैं एडवाइस करूँगी, 1 तो हर 6 महीने में डेंटिस्ट को एक बार चेकअप करानी बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा भी अगर कभी कभी होता है कि पेशेंट दर्द की गोली खा लेते हैं, थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ दर्द खा के दर्द की गोली आराम कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो इमीडिएटली जाकर विजिट करना चाहिए, चिकित्सक से मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर साक्षी। क्या का जांच हो रहा है? यहाँ मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी ने एक हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम सब लोग अपने सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग विभिन्न विभाग के डॉक्टर्स हैं, वो अपनी अपनी स्पेशलिटी के अनुसार पेशेंट्स देख रहे हैं, और यहाँ पे फ्री दवा का वितरण भी हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर चारू मोदी है, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं अपने विभाग से संबंधित पेशेंट्स को देख रही हूँ, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं एकदम चेकअप भी फ्री है, दवा भी फ्री है और दवा भी फ्री है। क्या यहाँ पे आज फिजिशियन में क्या देख रहे हैं, कितने लोगों को देखा गया आज यहाँ पे? अभी तक तो मुझे लगता है 100 देख चुके हैं, कम से कम 500 होंगे, उससे कम तो नहीं होंगे, काफ़ी अच्छी भीड़ है।
इस तरह का सेवा करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मन में लगता है कि सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो सच में इलाज नहीं करा पाते हैं सही से, मदद कर रहे हैं। कैंप जो लगता है कितना फायदा लोगों को पहुंचता है? अच्छे डॉक्टरों के दवा भी फ्री यहाँ पर दिया जाता है। अभी कैंप में तो दवा एकदम बिल्कुल फ्री है और लगभग 100% जो दवा लिख रहे हैं टोटली फ्री मिल रहा है। उसके बाद भी दवा दुकान से भी मैक्सिमम डिस्काउंट जो होता है होलसेल पे वो पेशेंट को जाता है। इस तरह कैंप पे पहली बार आयोजन किया गया कि इससे पहले भी यहाँ? पहले भी, इससे पहले अभी ये तीसरा टाइम। कितने लोगों को आज यहाँ पे सेवा दिया जा रहा? लगभग 1000 से प्लस। हर तरह के यहाँ पे डॉक्टर लोग आए हैं? सब तरह डेंटल स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, सब लोग। क्या नाम हुआ आपका?